कैंसर मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उनको कलेक्टिवली हम कैंसर कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी जो है, इसके सेल्स जो हैं वो रिसाइकल होते रहते हैं, अपना लाइफ स्पैन गुजारते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे सेल्स ले लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि सेल्स जो हैं वो मरना बंद कर दें एंड दे कीप ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर की चार स्टेजेस होती हैं। स्टेज वन माइल्ड होती है और फिर जैसे हम हायर स्टेज पे जाते हैं, स्टेज फोर जो है वो एंड स्टेज या जिसको हम कहते हैं कि कैंसर पूरी बदन में फैल जाता है। जो मेटास्टैटिक स्टेज फोर कैंसर है उसका यूजुअली वो स्प्रेड जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है कि एक दफ़ा वो कैंसर सेल्स ब्लड में चले गए और फिर जिधर जिधर ब्लड जा रहा है वहाँ वो कैंसर सेल्स जा रहे हैं एंड दे कैन डिपॉजिट एनीवेयर इन द बॉडी। खवातीन में जो है ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ वेरी कॉमन कैंसर इस इलाके में। इसके अलावा हेड एंड नेक कैंसर्स, जो मुंह के कैंसर्स हैं, गले के कैंसर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है दे आर ऑल एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग लिवर कैंसर 10-20 ईयर्स आफ्टर देयर डायग्नोसिस। पहले जो कैंसर है वो है प्रोस्टेट का कैंसर, ये हमेशा 60-70 साल की उम्र के लोगों में होता है। पेशाब में बहुत तकलीफ़ होती है, जल्दी जल्दी पेशाब आता है, खून आता है, बॉडी एक्स होते हैं। गुर्दे का कैंसर भी काफ़ी कॉमन है, मसाने में बहुत ज़्यादा कॉमन है कैंसर, ख़ासकर उन लोगों में जो तंबाकू नोशी करते हैं। आदमियों में जो अहम कैंसर है वो टेस्टिस का कैंसर है और उसमें गिल्टी पैदा हो जाती है और मरीज़ ख़ुद अपने आप को चेक करता है तो उसको पता लग जाता है कि टेस्टिस बड़ी हो गई है या भारी हो गई है। जिस्म में रद्द बदल के नतीजे में कुछ खलियत जन्म लेते हैं जो कि अपनी रफ्तार ज़्यादा करते हैं। जब इनकी रफ्तार हमारे खून के कारखाने में एक ख़ास मकदार से ज़्यादा हो तो इसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। दिमाग की रसूलियों में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ में कैंसर होते हैं कुछ में नहीं होता। अगर किसी को सिर में दर्द हो ज़्यादा और उसकी नज़र कम हो रही हो या उसको उल्टी आ रही हो या उसको झटके पड़ रहे हो, फिट्स पड़ रहे हो, तो उसको चाहिए कि फौरन न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मायना करवाएं। हमें एग्जैक्ट कॉज कैंसर का नहीं पता, रिस्क फैक्टर्स पता है कि किन चीज़ों के साथ कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, वी डोंट से स्मोकिंग कॉजेज कैंसर बिकॉज एवरी स्मोकर डज नॉट हैव कैंसर, बट स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर्स। ज़्यादा वेट होना जो है दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद कैंसर्स। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, डाइट्री पोल्यूटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, इन सारी चीज़ों से जो है कैंसर रिस्क बढ़ता है। डायरेक्टली कैंसर एक दूसरे को नहीं लग सकता। कुछ कैंसर्स होते हैं दे आर एसोसिएटेड विद सेक्शुअली ट्रांसमिटेड वायरसेस, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी और सी, फ्लूइड ट्रांसफर्स, नीडल स्टिक इंजरीज टू हेल्थ प्रोफेशनल्स, उसमें हो सकता है। इसके अलावा सर्विकल कैंसर जो है ख्वातीन का, दैट इज़ एसोसिएटेड विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ब्लड कैंसर छूने से नहीं लगता, किसी के साथ खुराक करने से नहीं लगता, किसी के साथ मेल मिलाप से नहीं लगता, घर में अगर कोई बीमार हो, नज़ला जुकाम हो तो उससे नहीं लगता। ज़्यादातर कैंसर्स की तशखीस रेडियोलॉजी से ही होती है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट मोडेलिटीज़ हैं उसमें अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पेट स्कैन है और फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक मखसूस मोडेलिटी है जिसको हम मैमोग्राफी कहते हैं। और सिर्फ डायग्नोसिस की हद तक ही नहीं है बल्कि हमारी एक अलग फील्ड है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसके थ्रू हम बायोप्सीज भी ले सकते हैं। बायोप्सी का मतलब ये है कि उस गिल्टी का एक टुकड़ा हम निकाल लें और उस टुकड़े को हम लेबॉरेटरी भेज दें। अक्सर अवकात इसी से हमें रिजल्ट मिल जाता है। अगर मौके पे इसको पकड़ लिया जाए एमआरआई करके, सीटी स्कैन करके, तो उसका इलाज या देर से किया जाए तो उसके इलाज में बड़ा फ़र्क है। कैंसर का अपना स्पेसिफिक कोई सिम्टम नहीं है। हमारे यहाँ लोग अवॉइड करते हैं टेस्ट करवाना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए, स्कैन किए जाएँ, ब्लड टेस्ट किए जाएँ। नॉर्थ वेस्ट में चूँकि हमारे पास कैंसर का पूरे वार्ड मौजूद है तो वहाँ पे हम स्पेशल रेज के साथ रेडियोथेरेपी के लिए हम यहाँ भेज सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट जिसमें आप हाई एनर्जी एक्सरेज को यूटिलाइज करते हैं ताकि कैंसर के वापस आने के रिस्क को कम से कम किया जा सके और इसके अलावा
वो तमाम कैंसर्स जिसमें ऑपरेशन पेशेंट का ना किया जा सकता हो बिकॉज ऑफ द कोमॉर्ब्स ऑफ द पेशेंट और एडवांस स्टेज ऑफ द कैंसर, उसमें रेडिएशन थेरेपी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वो कैंसर्स जो कि एडवांस स्टेज के होते हैं, जिसमें पहले भी होते हैं, इनके पैलिएटिव सेटिंग में जैसा कि पेन कंट्रोल के लिए, ब्लीडिंग कंट्रोल, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, उनको कम करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए भी शुआएँ इस्तेमाल की जाती हैं। रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए लेटेस्ट रेडियोथेरेपी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि IMRT, जिसमें मैक्सिमम डोज आप ट्यूमर सेल्स को दी जाती है और जो मिनिमम डोज है वो ऑर्गन एट रिस्क जो नियर बाय पड़े हैं उनको दी जाती है। इसकी मदद से साइड इफ़ेक्ट्स की जो शिद्दत है उसे आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जब किसी को ब्लड कैंसर लगता है तो बर वक्त इलाज मरीज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें शामिल हैं कीमोथेरेपी, हम कीमियाई दवाइयों से उनका इलाज करते हैं। हमारा बेसिक मकसद ये है कि जब आपका खून का कारखाना खराब खुलिए जो होते हैं उनसे बढ़ जाता है तो उनको खाली करना और साथ में ये टाइम देना कि वो अपने नॉर्मल खुलिए जो हैं वो पैदा कर सकें। नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल में हमारे पास सर्जरी, रेडियोथेरेपी, ऑन्कोलॉजी एक ही छत के नीचे है, तो सारे किस्म के इलाज हो सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर मोडलिटी मौजूद है जो कैंसर की तशखीस में मदद करती है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड की भी हर फैसिलिटी है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर्स और थायराइड कैंसर्स डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड इलास्टोग्राफी यूज़ होती है, वो भी हमारे पास मौजूद है। CT स्कैन्स और MRIs भी हमारे जो मशीन्स हैं वो कैंसर के मरीजों के लिए अप टू द मार्क इमेजेस देते हैं। मेमोग्राफी भी हमारे पास है और काफ़ी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का रेफरल है हमारे मेमोग्राम्स पे। तो आई वुड से कि नॉर्थ वेस्ट का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट अप टू द मार्क है रिगार्डिंग इट्स मशीन्स एंड पर्सनल अवेलेबल। नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल लेजर एक्सेलरेटर है जो कि वेल इक्विप्ड है MLCs के साथ और एपिड के साथ। हम कैंसर के पेशेंट्स को नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में फील्ड इन फील्ड टेक्निक, 3D कन्फॉर्मल और इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी टेक्निक के साथ ट्रीट करते हैं। क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में बेसिकली हम ब्लड कैंसर को ट्रीट करते हैं। हमारे पास वेल एक्सपीरियंस स्टाफ है, ब्लड कैंसर वार्ड सेटअप है हमारे पास प्रॉपर। ज़्यादातर हमारे मरीज यहाँ से सेहतयाब होके जाते हैं और वो यहाँ पे यहाँ के माहौल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अंडर वन रूफ वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल। आई वुड से दैट इज़ द बेस्ट बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े अस्पतालों में ये चीज़ें नहीं होती। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रिविलेजेस दैट नॉर्थ वेस्ट हैज़ इट।